नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर पर सियासी दंगल। लखनऊ में फूटा बीएसपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा, हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, गिरफ्तारी की है मांग। वही बीजेपी ने दयाशंकर को 6 साल के लिए किया निष्कासित। गुजरात में तनाव के बीच आज ऊना पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, पीड़ितों से की मुलाकात, मामले में उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। कश्मीर मुद्दे पर राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर हमला, लोकसभा में कहा कश्मीर को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, भारतीय मुसलमानों की चिंता ना करे। यूपी में आरक्षण कार्ड खेलने की तैयारी में कांग्रेस, सवर्णों को 10% आरक्षण देने का कर रही है विचार, घोषणा पत्र में किया जा सकता है ऐलान। हवाई जहाज से सस्ता होगा बुलेट ट्रेन का किराया, अगले 6 साल में हाई स्पीड कॉरिडोर बनने की है उम्मीद, प्रोजेक्ट में जापान 81% लोन के रूप में लेगा हिस्सेदारी। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच आज एंटीगा में, आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मुकाबला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले दयाशंकर पर सियासी संग्राम जारी है। बयान के खिलाफ आज लखनऊ में बीएसपी के हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और दयाशंकर सिंह की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक दयाशंकर की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दयाशंकर सिंह के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई दूसरी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दूसरी तरफ बैकफुट पर आई बीजेपी ने दयाशंकर सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है और पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। लखनऊ पुलिस केसरबाग स्थित उनके आधिकारिक आवास पहुंची लेकिन वहां वह नहीं मिले। उधर दयाशंकर सिंह की तलाश में बलिया पुलिस भी जुटी हुई है। आज सुबह पुलिस बलिया स्थित उनके आवास में पहुंची लेकिन पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आरोप है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इशारे पर दयाशंकर सिंह ने मायावती के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह ने मंगलवार को टिकट बिक्री मामले पर टिप्पणी करते हुए मायावती के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद मायावती ने इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया था और वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीजेपी नेता के इस बयान पर खेद व्यक्त किया था। और अब खबर गुजरात के ऊना से, जहां दलित प्रताड़ना मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज ऊना पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, साथ ही इस दौरान उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले कल गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल भी ऊना पहुंची थी और उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना था। वहीं बताया जा रहा है कि कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी ऊना जाएंगे। दूसरी तरफ गुजरात में आज भी दलित समुदाय का प्रदर्शन जारी है। जूनागढ़ राजकोट में लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। इस मामले में अभी तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, वहीं 4 पुलिस वाले भी निलंबित किए गए हैं। वह इस मुद्दे को लेकर कल संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि गुजरात सरकार ने अच्छा काम किया है, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। आपको बता दें कि 11 जुलाई को ऊना में 4 दलितों को कार से बांधकर उनकी सरेआम पिटाई की गई थी। दलितों की पिटाई का आरोप शिवसेना कार्यकर्ताओं पर लगा था। इन दलित युवकों पर आरोप था कि ये मरे हुए पशुओं की खाल उतार रहे थे। इसके बाद ऊना में 4 दलितों पर हुए अत्याचार के विरोध में एक साथ 7 लोगों ने सामूहिक तौर पर खुदकुशी की कोशिश की थी। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में आंतरिक सुरक्षा और कश्मीर के मुद्दे पर जवाब दिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी की बुरी नजर कश्मीर पर है, कश्मीर के गौरव को बहाल करने के लिए यह सरकार काम करेगी, कश्मीर के हालात बिगाड़ने में पड़ोसी देश पाकिस्तान की भूमिका है। सिंह ने कहा कि पाकिस्तान मजहब के नाम पर अलग हुआ और अपने मजहब के लोगों को ही एक नहीं रख पाया, आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए हैं। पाकिस्तान दुनिया का ध्यान बांटने के लिए यह सब करता रहता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के मुसलमानों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, औरों के घर में आग लगाने वालों को एक दिन अपने घर में समस्या का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों ने कश्मीर में जान गंवाई है या घायल हुए हैं उसका सभी को अफसोस है। तो राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में ये बयान दिया है। और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस साम दाम दंड भेद की नीति पर काम कर रही है और इसीलिए अब कांग्रेस ने वोट बैंक जुटाने के लिए आरक्षण का दाव खेलना भी शुरू कर दिया है। खबर है कि कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10%
आरक्षण देने की योजना बनाने पर विचार कर रही है। इससे कांग्रेस सीधे सीधे सवर्णों को अपने पाले में ला सकेगी। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी 29 जुलाई को लखनऊ जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके पहले पार्टी नेताओं की कई रैलियां राज्य के अलग अलग हिस्सों में होगी। वहीं अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि इस दौरान प्रियंका गांधी औपचारिक तौर पर प्रचार की कमान संभाल सकती हैं। और अब खबर अच्छी है। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का किराया विमान किराए से भी सस्ता होगा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर अगले 6 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 घंटे में पूरा करेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा और संचालन गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस वक्त दुरंतो एक्सप्रेस इस दूरी को 7 घंटे में पूरा करती है। मोदी सरकार हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए जापान से तकनीकी और आर्थिक मदद ले रही है। जापानी इंटरनेशनल एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी पहले ही पूरी कर ली थी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 97,636 करोड़ रुपए है और इसका 81% हिस्सा लोन के रूप में जापान देगा। अब चलते हैं अगली खबर पर। आज एंटीगा के सर विलियन रिचर्ड्स मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। दोनों टीम के बीच इस मैदान पर यह पहला टेस्ट मैच होगा। टीम इंडिया के नए हेड कोच अनिल कुंबले की अगुवाई में ये उनका पहला टेस्ट मैच होगा। विराट कोहली की कप्तानी में टीम लंबे समय के बाद टेस्ट खेलेगी। वैसे अभी तक हम देखते आए हैं कि टेस्ट मैच में भारत का विदेशों में प्रदर्शन औसत ही रहा है, लेकिन कैरेबियाई जमीन पर जीत की हैट्रिक बनाने का ये मौका रहेगा। भारत वेस्टइंडीज में पिछले 2 दौरों में सीरीज जीता था। 2011 में वेस्टइंडीज पर 3 टेस्ट में 1-0 से जीत हासिल की थी। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान थे। और अब खबर बॉलीवुड की। ऋतिक रोशन की फिल्म मोहनजोदाड़ो का टाइटल सॉन्ग रिलीज हो गया है, जिसमें ऋतिक के डांस की काफी तारीफ हो रही है। आइए देखते एक नजर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।